खातिर निर्देश दिया है। और स्पीकर को कहा है कि आपने आप बच्चों का खेल समझा है क्या? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को आप क्या समझ रहे हो? कितना टाइम आप लेना चाहते हो? ये बच्चों का खेल नहीं है और आपको एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको टाइम फ्रेम बना के देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। महाराष्ट्र की एक परंपरा है, महाराष्ट्र ललित असेंबली हो या विधिमंडल हो, एक परंपरा है न्याय सत्य की और संविधान की रक्षा की। ऐसे ऐसे लोग उस चेयर पर बैठे हैं जिसने हमेशा संविधान का सम्मान किया है, लेकिन जब से ये सरकार आई है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसी कॉन्ट्रैक्ट सरकार, तब से विधानसभा का स्पीकर हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, ना कानून को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। इसलिए कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को ये साफ शब्दों में कहा है कि आप हमें हल्के में मत लीजिए, हम भी आपको आदेश दे सकते हैं। एक साल तक आप एक असंवैधानिक सरकार को महाराष्ट्र में बिठा के रखा है, वो निर्णय ले रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही गंभीर है, हाँ, और सरकार को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है। इस देश में क्या चल रहा है? विधानसभा स्पीकर जिसे न्यायालय ने कहा है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबके पास सुनकर निर्णय लीजिए। कितना टाइम लगता है निर्णय लेने? हाँ, एक साल हो गया, आपके पास टाइम नहीं है? आप हमें कानून सिखाते हो, हमें भी कानून और संविधान मालूम है, आपको जाना पड़ेगा और स्पीकर को भी जाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, वेळ काढू पणा करत आहे। मम्मी काय म्हणते? वेळ पोरखेळ म्हटलाय, पोरखेळ। महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला विधानसभेच्या असे कान कोणत्याही न्यायालयाने उपटले नव्हते। महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला एक फार मोठी परंपरा आहे, मग विधानसभा असेल विधान परिषद असेल, फार मोठी परंपरा आहे। अनेक महान लोक या खुर्चीवर बसले आणि त्यांनी संविधानाचं रक्षण केलं, कायद्याचं रक्षण केलं, पण आज दुर्दैवाने गेल्या एक वर्षापासून एक बेकायदेशीर सरकार, घटनाबाह्य सरकार या महाराष्ट्रात बसवलं गेलं आहे आणि त्या घटनाबाह्य सरकारचं संरक्षण करण्याचं काम हे विधानसभेचे स्पीकर करत आहे। एखाद्या खुन्याला संरक्षण द्यावं, आश्रय द्यावा आणि त्या खुन्याला आणखीन खून करण्याचं उत्तेजन द्यावं, अशा प्रकारचं काम हे विधानसभेच्या अध्यक्षतेला इलेक्शन ट्रिब्युनल आपण म्हणतोय सर्वोच्च न्यायालयाच्या भाषेत, ते इलेक्शन ट्रिब्युनलने यांनी केलं, ट्रिब्युनलने केलेलं आहे। त्यांना कायदा कळत नाही का? पोरखेळ हा शब्द वापरला सर्वोच्च न्यायालय, पोरखेळ। महाराष्ट्र विधानसभेच्या आणि या महाराष्ट्राच्या बाबतीत इतिहासामध्ये अशा प्रकारची भूमिका कधी सुप्रीम कोर्टाने घेतली नव्हती, या देशात घेतली नव्हती, पण या महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याचं काम विधानसभेचे सध्याचे अध्यक्ष, राज्याचे मुख्यमंत्री, सरकार हे सगळे मिळून करतात। और क्या है अब बताइए, पाकिस्तान आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान टीम का ग्रैंड वेलकम किया गया, किस तरह से इस प्रकार का काम सिर्फ गुजरात में हो सकता है? प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जाकर उनके बर्थडे का केक काट सकते हैं, या पाकिस्तान की टीम आकर गुजरात में उनका इतना भव्य स्वागत हो सकता है? ये सिर्फ इस देश में गुजरात में ही हो सकता है, मोदी और शाह के राज्य में हो सकता है। अगर किसी और राज्य में होता तो ये बीजेपी की जो टोली है ना, वो नंगा नाच करती, हमको हिंदुत्व सिखाती, हमको राष्ट्रभक्ति के पाठशाला में बिठाती, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ चलता है। वो आज जम्मू कश्मीर में